सात चीजें आदमी को जीवन भर परेशान करती हैं। वो कौन कौन सी सात चीजें हैं, आइए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल हो सकता है, बशर्ते कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक सुने। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में ये आपके काम देंगी, और वैसे भी दैनिक जीवन में आपके लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो सारे दोस्तों को भेजिएगा, अपने घर के हर सदस्य को ये वीडियो भेजिएगा, चाहे वो 15 साल से लेकर के 65 नहीं 75 साल का आदमी भी है, वो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ निभाइएगा ताकि आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, सात चीज हमेशा आपको परेशान करती हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गांव के हों, शहर के हों, गरीब हों, अमीर हों, ये सातों चीजें यदि आपके घर में हैं तो आपको हमेशा परेशान करेंगी। उनमें से पहली चीज है अशिक्षित होना। हम जब बच्चे थे तब दीवारों पे लिखा हुआ था, होता था कि अनपढ़ रहबो पाप छे, खुद हो या हो पूत, यानी अनपढ़ रहने से बड़ा कोई दुख नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाइए, प्रॉपर एजुकेशन दिलवाइए, जो आप बनाना चाहते हैं वो बनाइए, मगर एक कंडीशन है, बच्चों की 10th पास करने के बाद में अथवा 8th पास करने के बाद में बच्चों की डिमांड, उनकी सोच, उनकी हॉबी का ख्याल रखिएगा और उनको पूछिएगा कि तू क्या बनना चाहता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चा कलेक्टर बनना चाहता हो और आप एक्टर बना दो, और बच्चा एक्टर बनना चाहता हो और आप कलेक्टर बनाने की तैयारी करवा दो, सफल नहीं होगी। दूसरी बात, बेरोजगारी। दोस्तों, छुपी हुई बेरोजगारी घर को स्वर्ग से नरक में तब्दील कर देती है, ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए बेरोजगारी को हटाने के लिए आपको कोई न कोई उद्यम, कोई न कोई बिजनेस, कोई न कोई नौकरी पेशा जरूर करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। पैसे की पावर को समझिए, वैल्यू ऑफ मनी जरूर समझिएगा। जब तक आप वैल्यू ऑफ मनी नहीं समझते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, धन सब कुछ नहीं होता है मगर कुछ होता है, और इस कुछ होने के लिए आदमी को 100 झक मारनी पड़ती हैं। मैंने हो चाहे आपने हो, सबको ये झक मारनी पड़ती हैं, और माने या न माने, लोग कहने को कह देते हैं पैसा हाथ का मैल है, मैं कहता हूं पैसा मुंह का नूर है। जेब खाली दुनिया खाली, जेब भरी दुनिया भरी। तो जब जेब में पैसा नहीं होगा कुछ नहीं है। अब अकेला पैसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। तीसरी बात, अविवाहित होना बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है आज की जब नई पीढ़ी के लिए। दोस्तों, आप ताज्जुब करोगे, गांव से लेकर शहर तक हर परिवार में शादीशुदा नहीं कंवारे बच्चे बैठे हैं। क्यों, लड़कियों की कमी आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कमी आ गई? बच्चे शिक्षित नहीं है, बच्चे बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस बच्चे नौकरी नहीं कर रहे, बच्चों में संस्कार नहीं रहे, बच्चों में कई तरह के व्यसन आ गए जिनको दुर्व्यसन अपन बोलते हैं, और कई तरह की उनकी सोच है वो बहुत हाई लेवल की हो गई। वहां हर लड़की नहीं सेट हो पाती, और यही कारण है कि आज के टाइम में अविवाहित बच्चों की आप ट्रक के ट्रक भर लो। यदि आप ये कह दो कि इन बच्चों की शादी करने के लिए फला जगह जाएंगे तो आप गाड़ियां की गाड़ियां भर लो, इतने बच्चे मिल जाएंगे आपको, और वो भी 25 से ऊपर के, छोटी उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, 25 साल की उम्र के, 30 साल से बड़े, 35 साल से बड़े, ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे। क्यों,
कारण जो मैंने पहले बताए थे। चौथा नंबर, खुद का बिजनेस नहीं होना सबसे बड़ा रोग है। शादी भी कर देते हैं, बहू आ जाती है, बच्चे के लिए खुद का बिजनेस नहीं है। केवल बहकाने के लिए महीने दो महीने सुबह 9 बजे नहा धोकर तैयार होकर कमर में बेल्ट लगाकर अच्छी तरह के जूते पहन के टाई वाई लगा कर भी बच्चा जाता है और शाम को 5 बजे कहाँ भटक के आता है पता नहीं। 2-3 महीने बाद में पता चलता है बहू को बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है। दुल्ला कुछ नहीं करता है, क्या करता है? बेवकूफ बनाने के लिए सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आ जाता है और नतीजा तलाक तक आ जाता है। बच्चों को अशिक्षित मत रखिए, शिक्षा दीजिए। अपनी औकात से भी ज्यादा मैं कहूंगा आधी रोटी खा लीजिए, अगर बच्चों को पूरी शिक्षा दिलाइए। और छठी चीज जो मैं कह रहा हूं, जिसके कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं, वो होता है एक छोटी सी छत अपने ऊपर जरूर होने चाहिए। 10x10 के 2 कमरे, 6x8 की 1 किचन, छोटे छोटे ही सही, लेट बात, इतना एक छोटा सा घर जरूर बना लीजिए, जीवन भर परेशान नहीं होंगे। और सातवीं चीज जो बहुत दुखदाई है, मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, वो है गरीबी। गरीबी को जड़ से खत्म कीजिए। जैसे जैसे 2 पैसे बचाते हो, कमाते हो, बचाने शुरू कीजिए। इस गरीबी की रांद काटिए। ये गरीबी बहुत से आदमियों का जीवन बर्बाद कर चुकी है। देश का हर प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी रहा हो, मैं बीजेपी, कांग्रेस या और किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रधानमंत्रियों ने गरीबी को मिटाने की भरपूर कोशिश की है। आपके दादा, परदादा, सरदादा, गड़दादा, सब ने इसको मिटाने की कोशिश की है। आप भी लग जाइए इस लाइन में, जितने जल्दी हो घर से बाहर निकालिए इसको। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। नमस्कार।